अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूँ अली उस्मान और आप मेरा यूट्यूब चैनल अली उस्मान ब्लॉग्स देख रहे हैं। तो गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो उसको सब्सक्राइब करें, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगती है उसको लाइक करें। फाइनली दो दिन के इंतज़ार के बाद बारिश शुरू हो चुकी है, हम आपको दिखाते हैं। और अभी तो हल्की हो गई है, अभी मैं उठाऊँ क्योंकि पहले बारिश थोड़ी तेज़ थी, अभी मैं उठाऊँ तो थोड़ी हल्की हो गई है। घर वालों से पता किया, वो बोल रहे हैं सुबह से लगी हुई है, तो हम आपको वहाँ से दिखाते हैं जहाँ से तेज़ लगी हुई है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं बाहर, आपको सही नज़र आएगी, आपको स्लोमो भी बताएंगे सब कुछ। तो आप हमारे साथ रहिए। तो वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। तो गाइस, आपने पूरे पाकिस्तान का मशहूर तरीन डायलॉग को सुना होगा, बिलावल भुट्टो का। तो बोलते हैं कि जब बारिश होती है पानी आता है, ऐसे तो नहीं होता है। अच्छा, ऐसे नहीं होता, फिर कैसे होता है? इसको समझना पड़ेगा हमें कि जब बारिश आता है तो पानी आता है, तब ज्यादा बारिश आता है तो ज्यादा पानी आता है। झूठ बोल रहा है। तो गाइस, हमारी ये बोलते ही बारिश तेज हो चुकी है। चलें आपको दिखाते हैं कि कितनी हद तक तेज हुई है, आपको आज कुछ नए तरीके में दिखाएंगे। चले गाइस, इस वक्त हम लोग केसर भाई लोगों के घर पे हैं। देखें हमारे पीछे केसर भाई खड़े हुए हैं और हमारे सामने एक बिल्ली सो रही थी और जैसे हमने कैमरा ऑन किया वो उठ के चली गई, वहाँ से जा रही है। एक मिनट आपको दिखाते हैं। कैसा लगा मेरा मजाक? तो गाइस, इनके घर से हमारा घर भी नज़र आता है, हम आपको बैक साइड से दिखाते हैं जूम करके कि हमारा घर दिखने में कैसा लगता है अपोजिट साइड पर, क्योंकि फ्रंट साइड पर तो कब्रिस्तान आता है। तो हम आपको दिखाते हैं और बाबू ये। तो गाइस, ये जो पूरा घर है ना, ये बड़ा वाला, ये हमारा घर है और यहाँ से सही से नज़र नहीं आ रहा क्योंकि ये इसके राइट हैंड साइड है। फ्रंट से कब्रिस्तान है, कब्रिस्तान से आपको फिर किसी दिन दिखाएंगे। तो फाइनली गाइस, दो दिन के इंतज़ार के बाद फाइनली बारिश हो चुकी है और हम लोग यहाँ पे आए हुए थे कि पहले यहाँ पे हम नीचे मुर्गा दिखाने के लिए, मगर मुर्गा पूरा गीला पड़ा हुआ है। हम थोड़ी देर में नीचे जाएंगे, आपको मुर्गा भी दिखाएंगे और यहाँ पे पहले कबूतरे हुआ करते थे इनके पास यहाँ पे पिंजरे में इधर, तो इन्होंने कबूतरे बेच दिए पता नहीं किस वजह से। तो अभी हम आपको मुर्गा दिखाएंगे, फिर उसके बाद थोड़ी देर में घर जाएंगे, नाश्ता करेंगे, कपड़े चेंज करेंगे, फिर आपसे मिलेंगे। तो आप हमारे साथ ही रहिएगा। ये देखेंगे गाइस, मुर्गा हमारा कब तकरीबन गीला हो चुका है, हमसे डर के जा रही है। तो हम आपको थोड़ा जैसे ही करीब आए फिर हम आपको दिखाते हैं, क्योंकि जैसे हम करीब जा रहे हैं ये दूर जा रहे हैं। गाइस, इस वक्त 9:45 का टाइम है, समीर और अदील दोनों सो रहे हैं, जैसे वो लोग उठते हैं तो आपको मिलाएंगे उनसे। तब तक मैंने नाश्ता भी नहीं किया, मैं नाश्ता कर लूँ फिर उसके बाद आपको बताते हैं। तो गाइस, अभी भी हल्की फुल्की बारिश लगी हुई है और हमारे घर पे दूध ख़त्म है, हम लोग दूध लेने के लिए जा रहे हैं। तो ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, गाइस हम लोग दूध लेकर आ चुके हैं, ये आप देखें दूध लेकर आ चुके हैं। अभी हम नीचे जाकर चाय पियेंगे फिर आप मिलेंगे। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। तो गाइस, पिछले दो दिनों से हम लोग बोल रहे थे कि बारिश हो जाए, बारिश हो जाए, बारिश हो जाए, तब बारिश नहीं हो रही थी। तो हम दो दिन इंतज़ार करते रहे, मगर आज फाइनली बारिश हुई है और ऐसी हुई है कि दिल खुश हो गया। अभी मैं बोलता हूँ कि मैं दोस्तों को बुलाता हूँ और उनके साथ कोई प्लान व्लान बनाऊँ, मेरा तो दिल ये कर रहा है, मगर ये पता करना पड़ेगा। कल मैंने दोस्तों से पता किया तो बोल रहे थे कि हम लोग भाई कल हमारा दिन बिजी है, तो उनसे थोड़ी देर में पता करते हैं, अगर वो लोग फ्री हैं तो उनके साथ निकलते हैं कहीं घूमने फिरने के लिए, क्योंकि बारिश का मौसम घूमने फिरने के लिए मेरा फेवरेट है, मेरा तो फेवरेट है, बाकियों का पहले जो पता नहीं। चेंज इनका फेवरेट है वो मुझे कमेंट्स करके लाजमी बताएं। रुक, तेरे को बता दे। तो गाइस, अचानक से बारिश ना बहुत ज़्यादा तेज़ हो चुकी है, इतनी ज़्यादा तेज़ कि हम लोग इसमें घूमने फिरने नहीं जा सकते। कैमरे पे सारा पानी लग रहा है, आप देख सकते हैं कि आपके सामने ब्लर ब्लर नज़र आए, देखें आप। तो बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ हो चुकी है, तो हम आपको दिखाते हैं कैसी लगती है तेज़ बारिश। चलें, मौसम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पे क्या। तो गाइस, अभी हम लोग जा रहे हैं काला बोर्ड की तरफ, मैं और मुर्तजा,
इनके चाचू की रिपोर्टें लेने के लिए। तो हम लोग जैसे पहुँचते हैं आपको दिखाते हैं, तो रास्ते में जो हमारे शॉर्ट्स होंगे वो भी आपको दिखाएंगे। तो आप हमारे साथ रहिए, मिलते हैं कालापोर्ट में पहुँच के। तो गाइस हम लोग कालापोर्ट पहुँच चुके हैं और यहाँ पर काफ़ी तेज़ बारिश लगी हुई है। गाइस कालापोर्ट जाने से पहले मैं घर पे बता के गया था कि घर वालों को बोला था कि बिरयानी बनाइएगा, तो उन्होंने बिरयानी बनाई है। दिखाएं भाई, ये देखें गाइस। तो गाइस कालापोर्ट में इतनी तेज़ बारिश थी कि इतनी ज़्यादा तेज़ बारिश थी कि मैं पूरा गीला हो चुका था और मेरे साथ जो लड़का था वो भी पूरा गीला हो चुका था। तो आमला का भी नहीं देता है। हम लोग जैसे हम लोगों ने फाइल ली, फाइल उन लोगों ने नहीं दी, वो बोल रहे थे कि फोल्डर पूरा बड़ा है और उसके साथ इसकी शॉपर हमारे पास अभी अवेलेबल नहीं है, तो आप बारिश में लेके जाएंगे तो सारा गीला हो जाएगा, सारी फाइल गीली हो जाएगी, उसकी वजह से नुकसान है। तो अभी ले जाना, तो आप फिर कभी आ जाइएगा, फिर लेके जाइएगा। तो हम लोग फिर वापस आ गए बारिश ज़्यादा होने की वजह से, तो लोग मैं आपको दिखा नहीं पाया क्योंकि जो जितना भी पानी था सारा मोबाइल में जा रहा था और उसके कैमरे पर लग रहा था, तो उसकी वजह से मैंने बोला यार मोबाइल फिलहाल रख देते हैं। तो जैसे घर जाएंगे तो आपको बताएंगे कि बारिश कैसी थी। बारिश ऐसी मौसलाधार थी कि अभी यही बारिश ना यहाँ पे आएगी, पहले कालापोर्ट में होती है हमेशा की तरह और वहाँ पे हमेशा तेज़ होती है, फिर वहाँ पे होने के बाद यहाँ पे आती है। तो जैसे यहाँ पे आएगी ना मैं आपको बताऊँगा, सही है? यही नहीं, अभी और सुनिए। तो गाइस ये उरेन थी और ये जो ना पता नहीं क्यों आजकल वीडियो में नहीं आती, मैं उसको बोलता हूँ कि आप वीडियो बनाएं मगर ये शाय हो जाती है, शर्मा जाती है, उसकी वजह से शायद नहीं बना रही। तो हम आपको मिलेंगे बिरयानी खाने के बाद, अभी तो चलें। तो गाइस जैसा कि मैंने कहा था कालापोर्ट में जैसी बारिश हुई वो अब इधर आएगी, तो फाइनली वो बारिश इधर आ चुकी है और बारिश तेज़ हो चुकी है। चलें ये देखें आप, तो इतनी तेज़ है कि देखिए मेरी शर्ट पूरी तकरीबन गीली हो रही है। तो मैं आपको दिखाता हूँ दूसरे साइड पे, कब्रिस्तान वाले साइड पे, क्योंकि वो थोड़ी खुली जगह है, वहाँ पे आपको सही से बारिश नज़र आएगी। तो हम आपको दिखाते हैं, चलें बारिश। ओके गाइस, कैमरा मेरे मोबाइल तकरीबन सारा मेरा गीला हो चुका है और बारिश इतनी तेज़ है कि मेरी पूरी शर्ट गीली हो चुकी है। तो अभी हम लोग नीचे जाएंगे ताकि मेरा मोबाइल ख़राब ना हो जाए, पहले ऊपर पानी गिर चुका है। तो हम लोग अभी जा रहे हैं नीचे, तो आपको मिलेंगे थोड़ी देर के बाद। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। बारिश ज्यादा हो रही थी तो हमें भूख ज्यादा लगी हुई थी, तो हमने बोला कि हम अपने लिए अंडा पका लेते हैं, मुझे अंडे वाला बर्गर। तो हम आपको बताते हैं इसकी रेसिपी। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे प्याज लिया है और थोड़ा सा ऑयल है हमारे पास, ये सॉल्ट आ गया और हमारे पास है मसाले। तो चले स्टार्ट करते हैं, आ जाओ। तो चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। तो गाइस एक तरफ उस्मान लगे हुए हैं, दूसरी तरफ बाबू चाचू लगे हुए हैं, देख सकते हैं ये बाबू चाचे हैं, दोनों का सख्त मुकाबला चल रहा है इस टाइम। अभी हम लाइटर से चूल्हा जलाएंगे सबसे पहले और हम इसको रखेंगे चूल्हे पे, उसके बाद हम इसके पहले अंडे डालेंगे। हमारे पास दो अंडे मौजूद है, तो
जैसे ही तैयार होते हैं हम आपको सब कुछ दिखाएंगे। ये तकरीबन तैयार होने वाला है, जैसे ही ऊपर से पक्का हो जाएगा उसके बाद फिर हम इसको प्लेट देंगे। अच्छा, हमको सिखा दिया है। अपने अभी चाकू का बांध करते हुए तो गाइस फाइनली हमारा अंडा तैयार हो चुका है और हमने आपको अंडे की रेसिपी बताई वो भी कंप्लीट हो चुकी है। तो अभी हम इसको फ्राई करने जा रहे हैं क्योंकि बहुत लगेंगे। बारिश में नहाने के बाद अजीब सी एक मतलब मैं कम से कम पिछले एक घंटे से नहा रहा हूँ बारिश में और मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी थी, ठंड भी बहुत थी, उसकी वजह से मैं ये खाऊँगा और मिलेंगे आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। आज का ब्लॉग हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो उसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अगर हमारा चैनल अच्छा लगता है उसको सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी उसको शेयर करें। तो मिले आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।